पोहरी भारतीय स्टेट बैंक में एक आधार कार्ड मशीन संचालित है जिसमें आए दिन तकनीकी खराबी का बोर्ड लगा रहता है, जिसके चलते आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पोहरी से 50 किलोमीटर दूर से हितग्राही आधार कार्ड बनवाने और सुधार कराने कड़ाके की ठंड में लाइन में लगे लेते नजर आते हैं। इसके बावजूद भी 3 दिन के बाद भी उनका कार्ड नहीं हो पा रहा है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम भाई? यहाँ जो स्टेट बैंक के बाहर आप खड़े हो सुबह से, किस लिए खड़े हो? आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए। आधार कार्ड अपडेट? हाँ। कितने दिनों से आ रहे हो? 2-3 दिन से आ रहे हैं। आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा? नहीं हुआ। क्या समस्या बताई जा रही है? हम आते हैं कभी कभी तो नंबर नहीं आता है, आ जाए तो प्रबंध कर दिया। प्रबंध कर दिया? तो सुबह कितने बजे से लाइन लगाते हो यहाँ? जो बोलते 8 बजे से लगाते, फिर भी 8 बजे आ गए, फिर भी बंद कर दिया। हम समय पे आ गए फिर भी। अच्छा, कौन बताया जाता है? क्या नाम भैया? महेंद्र जाटव। यहाँ पोरी स्टेट बैंक के बाहर आए हो आप, किस उद्देश्य से आए हो यहाँ? यहाँ पे हम जन्मतिथि अपडेट कराने आए। आधार कार्ड में? कितने दिनों से आ रहे हो? 3 दिन से। क्या कुछ हो रहा है यहाँ? यहाँ पे ऐसे आज आधार कार्ड की तकनीकी खराबी से बंद कर दिया गया है। ऐसे भी पहले भी हमसे बोला था कि कल आना, तो सुबह आना 9 बजे से, तो आज हम 9 बजे आ गए। इसके बाद भी अब ये बंद बता रहे हैं। तो ठंड में लगातार परेशान हो रहे हो? हाँ। केवल एक ही जगह आधार कार्ड बनना है यहाँ? यहाँ पर तो जी सब लोगों की भीड़ आधार कार्ड की ही है। आधार कार्ड। कितना दूर होगा यहाँ से? नौतिया 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूर। हाँ।